हाल ही में सौरव जोशी को हिट। फोटो खींचनी सौरभ भाई के पास। सो गाइस देख सकते हो आप, सौरभ भाई फोटो खींचाने के लिए मना कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं, देखो आपके नंबर वन यूट्यूबर की बाहर निकलने कार से। सौरव की लड़ाई। अरे जान दो है कैसे कर लो। इधर आ बताता हूँ क्या इधर आ। ठीक है, तू जहाँ तक का कहेगा वहाँ तक का कर लीजिए मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बना ली। और सौरव की बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, तो आज हम उनमें से वो तीन कंट्रोवर्सी की बात करेंगे जिसमें सौरव को लोग बहुत गंदा गंदा बोल कर गए। तो पहले सिचुएशन में सौरव कुणाली और पीयूष पौष में जा रहे थे, उसी टाइम पीछे से दो लड़के बाइक से आए और जेब सौरव ने कार रोकी नहीं तो उससे उल्टा सीधा बोलने लगे। हेलो सर। एक मिनट सर, सर इधर आओ, इधर दिखाओ, साइड में लगा ना, गाली दे रहा था ना। हाँ आप बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे थे, अब बोलो ना क्या बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग हुई है तुम्हारी, बोलो क्या बोल रहे थे, दोबारा बोल दो एक बार। मैंने कहा ये कहा। अच्छा ये नहीं बोला। अच्छा बच्चे बैठे झूठ बोल रहे बच्चे। हाँ अब क्यों बोलती बंद हो गई, मना कर दो नहीं बोला, मना कर दो नहीं बोला, चलो मना कर दो, मना कर दो नहीं बोला। और शॉकिंग बात ये है कि ऐसा कुछ होगा ये सौरव को पहले से ही पता था। तो आज बहुत लोग हमारे पीछे लगने वाले हैं, बिकॉज बारिश में सभी पहाड़ पे जाते हैं, तो ट्रैफिक भी मिलेगा हमको, बहुत लोग ओवरटेक करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, देखना आज। आज राजीव अंकल को दिखाएंगे ये सब चीजें। क्या होता है जब मैं पोर्स लेके निकलता हूं। दूसरी सिचुएशन में भी सौरव पोर्स से जा रहा था, लेकिन इस टाइम सौरव गेम ऑफ लीड से मिलकर वापस आ रहा था, तो फिर से दो लड़के बाइक से आए और फिर सुनिए उन्होंने सौरव को क्या बोला। गाली क्यों दे रहे हो, गाली, नाम बताओ अपना नाम। ये जो बाइक पे दो लड़के थे ना गाइस, गाली दे रहे थे पीछे से, कह रहे फोटो चाहिए, ऊपर से गाली भी दे रहे हैं, तो सुनाई तो देगी ना, खुली खुली छाता सुनाई तो देगी ना। देखो भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं, पहले फोटो मांग रहे थे अब भाग रहे हैं। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इस लास्ट सिचुएशन में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से कौन सी सिचुएशंस के बारे में पहले से पता था। तो चलो वो तीसरी इंसिडेंट की क्लिप देखते हैं। तो भी गाइस एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने हमको बहुत गंदी गंदी गालियां दी, अभी यहाँ से आ गया था वो, तो मेरा कैमरा ऑन था, रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये गाड़ी थी यूपी नंबर की गाड़ी है, जो भी है इसके बाहर देखो छपरी लौंडे हैं कुछ, और ये किस तरह से गाली दे रहे हैं देखो, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बीप डाल दूंगा उसमें, और वो लड़के की शक्ल भी दिख रही है एक की। तो भाई बहुत मेरे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने ऐसी ऐसी गाली दिया ना, तो मैं तो डाल रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैं डाल भी सकते, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो गाड़ी में से ही, और ऐसे बाहर निकल के, और बोविया भी वहीं खड़े थे, बोविया को भी गुस्सा है, बोविया पीछे आ रहे हैं, तो हम साथ में जाएंगे घूमने के लिए। फिलहाल अब आपको फुल सपोर्ट करना है इसमें ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा उन लड़कों ने कितना गंदा गंदा बोला सौरव को, और वो सौरव को खुद भी पसंद नहीं आया। पर चलो सौरव तो बड़ा है, वो इतना नहीं सोचेगा ऐसे लोगों के बारे में। पर पीयूष और कुणाली तो छोटे हैं अभी, उनके सामने भी लोग ऐसा करते हैं, ये बात बहुत गलत है। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर सौरव जोशी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक सब्सक्राइब तो सौरव के लिए बनता है। देखते हैं कौन कौन रियल फैंस है।